अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाइना अलवी बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ बताऊंगी, मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइत की कमी, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, जिसके नतीजे में बच्चों का कद और वज़न दोनों कम हो जाते हैं। कहानी इसकी जड़ शुरू होती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब औरत हमल से होती है। उस वक्त अगर उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखा जाए, उस वक्त अगर वो प्रॉपर डॉक्टर के पास अपने आप को रजिस्टर ना करे, उसके रिपीटेड अल्ट्रासाउंड ना हो, तो ये चांसेस होते हैं कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसका वज़न उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। कि जब बच्चा पैदा हो गया तब आपने उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं दी, तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप 2 साल तक आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि माएँ अपना दूध पिलाएं। एक तरह से ये पहली फर्स्ट एंटीबॉडी बच्चे को मिल जाती है जो उसको इन्फेक्शन से बचाती है। दूसरा, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है। 6 महीने की उम्र में आप बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, जो हम सॉलिड यानी ठोस ग़िज़ाएँ देते हैं, वो हम कमर्शियल प्रिपेयर्ड यूज़ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और घर की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनल ये एडवाइस करती हूँ, अगर बच्चे 4 से ज़्यादा हैं या 4 हैं, तो माएँ, मुश्किल होता है कि सिर्फ वो बच्चे माँ का दूध पे ही रहें, तो उनमें हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है, आप फॉर्मूला मिल्क ऐड कर लें। लेकिन हर बच्चे को, स्पेशली जो पहला बच्चा है, उसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो दूध आप उसको डब्बे का दें। हमारा एम ये होता है बच्चों का कि हम 1.5 साल में बच्चा जो है वो फैमिली फूड खाए, यानी जो हम खा रहे हैं, जो हम बिरयानी खा रहे हैं, सालन, रोटी, दाल, चावल, जो हमारी कल्चरल फूड्स हैं वो खाएं। लेकिन इसमें एक ख्याल रखना ज़रूरी है कि बच्चे 12 से 15 साल तक दूध रोज़ाना पियेंगे, तकरीबन आधा किलो रोज़ाना उनको अंडा खाना है। आलू भी यूज़ कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जगह पे, चिकन है यानी मुर्गी है, मीट है, बीफ हो सकता है, और अंडे। तो बैलेंस डाइट देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। 1 साल के बाद हम बच्चे को एडवाइस करते हैं कि आप उनको 3 मील्स दें और 2 स्नैक्स दें। तो कम से कम जो टीके EPI प्रोग्राम में हैं, जो कि हमारे 15 महीने तक के टीके हैं, वो आप ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा भी बहुत सारी वैक्सीनेशन मौजूद हैं चिकन पॉक्स के अलावा, जो अफोर्डेबल जो कर सकते हैं वो करवा लें। मेरी एक बात मैसेज मैं देना चाहूँगी कि ये फर्स्ट 1000 डेज ऑफ जो आपके बच्चे की ज़िंदगी के होते हैं, ये मैक्सिमम ग्रोथ के होते हैं। इस दौरान अगर बच्चे की हाइट कम है या अगर उसका वज़न कम है, तो वज़न तो फिर भी गेन हो जाएगा, लेकिन हाइट की जो डेफिसिट रह जाएगा वो बड़ा मुश्किल है कि वो आप उसको पूरा कर सकें। प्लस वैक्सीनेशन आप अपने बच्चों की करवाएं और रेगुलर विजिट्स, जो नॉर्मल कभी हल्की फुल्की जो होती हैं, खांसी, नज़ला, बुखार और ये जुलाब, दस्त और जुलाब, इनसे बचाव के लिए आप डॉक्टर को विज़िट करें। और सेकंड, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए, जो मैं मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा अपने बच्चों को उबला हुआ पानी पिलाइए, उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।